अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बूंदे। पेज नंबर 4, कविता का नाम है बूंदे। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। बूंदे किसे कहते हैं आप लोगों को पता है ना? जब बरसात होती है तो बादल से जो पानी बरसता है तो वो बूंदे बनकर धरती पर आती है। और बूंदे कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है? खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है। आप सब ने देखा होगा कि बरसात के मौसम में हर जगह हरियाली ही होती है, हर जगह पेड़ पौधे नज़र आते हैं। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। धरती से यानी जब बारिश बरसात बूंदों के ज़रिए धरती पर गिरता है तो फिर धरती से वो नालों में जाता है, नालों से नदियों में जाता है, फिर नदियों से वो सागर में मिल जाता है। सागर यानी समंदर। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। बरसात का मौसम तो हम सबको पसंद होता है। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में हम लोगों को ठंडक मिलती है, पानी मिलता है, तो हमारी जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाती है। बरसात हमें ठंडक देता है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। जैसे हम सबको बरसात का मौसम पसंद होता है, उसी तरीके से मेंढक मोर पपीहे इन सबको भी बरसात का मौसम पसंद होता है। कोयल बारिश आने से पहले कोयल अपनी कुहकू करना शुरू करती है। मोर बरसात में नाचते हैं। मेंढक को बरसात के पानी में नाचना बहुत पसंद होता है। तो इन सबको भी बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर यानी अपने तेज तेज हवाओं के साथ बूंदे आगे आगे बढ़ते हुए हम सबको यानी परिंदों को हम सबको एक खुशहाली देती है। ओके, तो आप लोग को सबको ये कविता समझ में आई? तो हम कविता को एक साथ पढ़ेंगे। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। तो बच्चों, आप लोगों को ये कविता याद करनी है। क्या है कविता का नाम? बूंदे। तो आप लोगों को ये कविता अच्छे से याद करनी है, ठीक है? अब आपकी वर्कबुक जो आप सबको मिली है, हिंदी सुलभ भारती, ये आप लोगों को, यू हैव टू ओपन दिस पेज नंबर 9, बूंदे। यहाँ पर देखो, आप लोगों को दिया गया है कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। तो आप लोगों को यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। आप लोगों के टेक्स्ट बुक में आप लोगों को कविता दी गई है, तो आप लोगों को उसमें से देखकर ये कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क। जैसे पहले लाइन है रिमझिम, तो आगे आप क्या कंप्लीट करोगे? रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। उसी तरीके से आपको दूसरा और तीसरा कंप्लीट करना है। उसके बाद नीचे दिए गए हैं आप लोगों को
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो पहला प्रश्न है, बरसात की बूंदे कैसे गाती है बरसात की बूंदे? बरसात की बूंदे रिमझिम रिमझिम गाती है। दूसरा प्रश्न, बूंदे कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है? यू हैव टू फाइंड द आंसर। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में आंसर्स दिए गए हैं, आप लोगों को उसे ढूंढ कर आपके वर्कबुक में लिखना है। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों को ये 5 प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने हैं और कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है, ठीक है। उसके पीछे पेज नंबर 10 पर कविता में आए हुए गाती शब्द के समान लयात्मक शब्द लिखो, यानी गाती से मिलते जुलते आप लोगों को शब्द लिखना है इसमें। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। यहाँ पर आपकी कविता में दिया गया है, गाती आती फैलाती, तो आप लोगों को ऐसे मिलते जुलते शब्द यहाँ पर लिखना है। ये भी आपका होमवर्क है, ओके। तो व्हाट इज़ योर होमवर्क? क्या आप लोगों को ये बूंदे कविता याद करनी है और आपके वर्कबुक में से पेज नंबर 9 पर जो कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो दी गई है वो कंप्लीट करना है। जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसे भी लिखना है और यहाँ पर समान लयात्मक शब्द लिखने हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, जो आप लोगों को अगर कविता नहीं समझ में आई या आप लोगों को होमवर्क कुछ प्रश्न उत्तर में कुछ परेशानी हुई तो इंशाल्लाह जूम ऐप पे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। डू योर होमवर्क ऑन टाइम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।